आज का हमारा लास्ट डे का सेशन था और पिछले 6 दिन से हम ये सब मेंटर को सुनते आए थे, मगर आज जब विनोद तिवारी जी ने हमारी कमान संभाली तो पहले लगा कि नहीं अब जल्दी ख़त्म करो, मगर जब तिवारी जी ने बिजनेस के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा तरीका है, सही तरीका कौन सा है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए, वो इतनी अच्छे से हमको सिखाई। उनका जो सिखाने का तरीका था वो बेस्ट था, इतना बढ़िया था कि हमें लगा कि विनोद तिवारी जी अगले 2 दिन तक हम मोटिवेट करें, हमको लर्न करें तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो तिवारी जी के लिए मैं सबसे बेस्ट मेंटर के रूप में मानता हूँ कि उन्होंने हम सब पार्टिसिपेट को अच्छी तरह से मोटिवेट किया और सब में एक नई जान फूंक दी, और वो एक बढ़िया चीज उनमें थी जो सबसे अलग है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर तिवारी जी, नाइस टू मीट यू, नाइस टू स्पीक यू, हमारी सब की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर अमिता एंड मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में एज अ डिपार्टमेंट हेड हूँ। एक्चुअली 7 डेज का जो यहाँ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था एंटरप्रेन्योरशिप इन मेंटरशिप, सो इन दिस मिस्टर तिवारी सर होल डे आपने जो लेक्चर हमें दिया, लेक्चर नहीं लगा हमें, पूरा का पूरा जो मोटिवेशन लगा उसमें हमारा जो माइंडसेट है वो रियली में टोटली चेंज हो गया है। और स्टूडेंट के बारे में हम बताएं तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उनको मेंटर पॉजिटिवली कैसे करें, पहले तो हमें खुद पॉजिटिव बनना होगा और हर एक सेकंड का हमें जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट जो मिलता है तो वो स्टूडेंट से हम लोग कैसे वो करवाएं। दूसरी एक चीज़ जो आपने कछुए वाली और जो खरगोश वाली कहानी बताई, हमने सिर्फ उसका एक ही पार्ट अभी तक देखा था, बाकी उसके तीनों वर्जन जो थे जो आज हमें जानने को मिले। तो ऐसे एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग यू हैव मोटिवेट अस एंड थ्रू द एग्जांपल हाउ वी कैन मेंटर अवर स्टूडेंट्स, सो दैट थिंग इज वेरी नाइस। एंड वन मोर थिंग, कंट्रोल योरसेल्फ, सो दैट इज वेरी गुड। देन द लास्ट विच दैट विन विन सिचुएशन जो है तो वो हम लोग कैसे बच्चों को ये सिखाए, तो वो आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। गुड आफ्टरनून ऑल, माय नेम इज आरती वाघ, आई एम फ्रॉम बारडोली। वी आर रनिंग अवर हियांस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड I am in food industry. I'm in food industry. So basically, today's session was really very good for me, very helpful for me. I have one point to say that when sir taught us how what is businessman and what is entrepreneur, which is very important. Thing that I have learned today, and really very good session. Thank you so much. मेरा नाम डॉक्टर गोविंद है, मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले 14 साल से प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता हूँ। आज हमने विनोद जी का लेक्चर सुना है, इसमें बहुत सारा उन्होंने जो बातें की है स्पेशली मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लाइफ तो सब जन जीते हैं, मगर लाइफ जीने का तरीका और जो अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो सब ज़रूरी है। और ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में तो ड्रीम होते हैं, मगर वो ड्रीम कैसे अचीव करनी है, उसके लिए क्या एक्शन है, उसके लिए क्या प्लान है, क्या गोल सेट करने, वो सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो बेसिक्स कोर्स है ये
खुद को डेवलप करने के लिए खूब ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे सेमिनार और वो जो है उसको इम्प्लीमेंट खुद के लाइफ के लिए, ताकि आप खुद की लाइफ खुद बना सकते हो, उसको भी आपके माइंड के साथ कायम आपको रखना होगा। थैंक यू। हेलो, आई एम डॉक्टर योगेश्वरी झाला, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सो फ्रॉम दिस लेक्चर आई हैव मोटिवेटेड माई सेल्फ टू ड्रीम बिग, टू अचीव दैट गोल एंड द मोटिव ऑफ लाइफ, हाउ टू सेट द मोटिव ऑफ लाइफ, एंड दैट विल हेल्प मी टू गाइड माई स्टूडेंट्स एज वेल, दैट हाउ टू सेट वन बिग ड्रीम एंड हाउ टू अचीव दैट ड्रीम। That was the thing I was not aware about before this lecture, or it is something in back of the mind that awakened this time due to this lecture. And thank you very much for this insight. Hello, myself Dr. Pooja Pandey, working as an assistant professor in the Department of Plant Pathology at Anand Agriculture University. During this entire hour that we have a great discussion with Mr. Vinod Tiwari sir, and one beautiful thing I have learned, that earlier I had an idea that there should be purpose of life, but he has just sent a good message that life should be of purpose. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम उर्मिल चौधरी है और मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा जॉब है यहाँ पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग थी यहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट में, और उसमें हमने आज विनोद तिवारी सर जी का लेक्चर सुना। इवन इफ आई वॉन्ट टू लाइक, अगर मेरे को कुछ कहना है कि ये लेक्चर के बारे में, तो एक चीज़ है कि हमने अभी तक जितने भी लेक्चर अटेंड किए उसमें ये एक लेक्चर ऐसा था कि एक एक बात पे हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ नया कुछ मिस की सीखने को मिलेगा, या फिर थिंकिंग के बारे में। और अगर कुछ करना है लाइफ में तो यू हैव टू परफॉर्म, लाइक नॉट थिंकिंग। अगर सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, एक वो था। और लाइफ में अगर कुछ करना है तो उसके लिए हम सब लोग क्या रहता है कि मनी की और में पैसे के लिए ही सब कुछ करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग अगर कुछ करना है तो जो भी हमारा मनी, तो दैट इज़ द प्रायोरिटी, बट उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अगर सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर हम कुछ करेंगे तो मनी तो अपने आप हमारी लाइफ में आ जाएगा। और दूसरा जो आपने सर 3S वाली जो बात की, सिग्निफिकेंस वाली, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लेक्चर। लाइक हमारे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि हम किसी और को मोटिवेट कर सकें, और आपके लेक्चर में भी सर ये बेस्ट था, एक एक बात पे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला। दैट इज़ द मेन थिंग्स अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मनोज तिवारी सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज उनका लेक्चर हमने अटेंड किया हमारे AIC सेंटर पे। तो उनका लेक्चर बहुत ही एकदम बढ़िया था, बहुत ही मोटिवेशनल, मेंटरशिप बिल्डिंग पे, और जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एनर्जी लेवल है, और जो समझाने का जो तरीका है, वो सीधा आपके दिमाग में और दिल में छू जाता है। सो इट वाज लाइक वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन अवर थिंकिंग एंड अवर looking at the lifestyle or our behavior, so that we can bring positive changes in our future. So thank you sir for delivering an excellent talk. Thank you. Namaskar sir, mera naam Dr. Akash Mishra hai, main assistant professor department of soil science and agriculture chemistry Anand Agriculture University mein karyarat hu abhi। और 7 days का हमारा जो AG कैटलिस्ट का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, आज उसका 7वां दिन है,
और विनोद तिवारी सर का जो आज हमने लेक्चर सुना है, तो जो एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स थी 7 डेज से तो हम सुन ही रहे थे, बट इसके साथ में जो मोटिवेशनल जो स्पीच सर की थी वो बहुत खास करके हमें बहुत अफेक्ट करी कि पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं लेकिन उसका पर्पस क्या है लाइफ में, दैट वी केम टू नो बाय विनोद तिवारी सर ओनली। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल था और मेरे लाइफ के जो गोल्स हैं उनको सेट करने में ये बहुत हेल्पफुल होंगे मेरे भविष्य में, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को। और इस तरीके की स्पीचेस हमारे प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, इस तरीके की स्पीचेस हों, चूँकि मैं प्लेसमेंट सेल का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो इस तरीके की स्पीचेस अगर स्टूडेंट्स के फोरम पे या प्लेटफॉर्म पे हों तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू सो मच सर एंड द बेस्ट विशेज फॉर योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम जतिन पटेल है और मैं सीनियर मैनेजर मार्केटिंग नबार्ड असिस्टेड एचपीयू रूरल बिजनेस पे जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा 7th डे है एग्रीप्रेन्योरशिप मेंटोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें मैं पार्टिसिपेंट की तरह यहाँ पे था। तो आज जो सेशन हुआ हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिविटी, उसमें बहुत ही अच्छा विनोद सर ने हमें एक शेड डाला है। और जो कंफ्यूजन था कि बिजनेस क्या होता है फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो उसमें भी उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया है। दूसरा कि उन्होंने विनोद सर ने हमको बहुत ही अच्छे से जो बोलते हैं कि लाइफ गोल कैसे करते हैं, हम लाइफ को कैसे जिया जाता है, तो वो भी पर्सनल हमको थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया है। तो उस लिए मैं उनका और उनकी टीम का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सुनीत गौतम है, मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर सहकारिता प्रशिक्षण विभाग में काम करता हूँ। आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा सबसे जो खास बात लगी, माइंडसेट चेंज, जो हमारा माइंडसेट होता है उसे कैसे चेंज करना है। हमारे दिमाग में बहुत से मिथ होती है कि एंटरप्रेन्योर लोग बनेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें बहुत हमारे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन की तरह एक रहता है। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें आज पता चला, सर ने बहुत अच्छे से बताया सारी बातें कि कैसे हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जब उसको समझेंगे चीज़ों को, अपने आप को समझेंगे, एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, कैसे लोग सोच रहे हैं जो सक्सेस हुए हैं, तो हमें मालूम पड़ता है। साथ ही साथ ये भी चीज़ें बताई गई कि क्या ड्रॉबैक्स है जो हमें रोकते हैं ये सब चीज़ें पहुँचने में, लेकिन कुछ रोल्स ऑफ बेसिक रोल्स ऑफ लाइफ सर ने बताया, पूरे जो 5 रोल्स बताए हुए हैं विद द फोटोग्राफ, मतलब उसमें एक फोटोज थे, स्ट्रक्चर था जो बहुत अच्छे से हमें एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, मतलब लॉन्ग टर्म वो चीज़ें ध्यान रहेगा, तो बहुत अच्छे थे और बहुत इम्पैक्टफुल था। और ये ट्रेनिंग सेशन सर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेशन था मेरे लिए। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम सावन है, सावन गोहल, और मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। सर, इस सेशन से हमने सीखा कि जैसे ड्रीम टू ड्रीम को कैसे कन्वर्ट करके एज अ गोल में लाना है और गोल को कैसे एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है। तो ये सर एक काइंड ऑफ मोटिवेशन सेशन भी है और एक जो बल्ब जैसे जलता है ना, उसी तरह से आपने हमें बताया कि पहले सोचो, सोच के उसको एग्जीक्यूट करो और उसको एज अ सक्सेसफुल बनाओ। तो ये लाइफ होप जो तीन आपने बताया, लाइफ ऑफ सक्सेस, लाइफ ऑफ सेगमेंट सेशन, सॉरी, जो ये 3 चीज़ देखी आपने लाइफ के बारे में, वो अच्छा लगा। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था और काफ़ी लर्निंग मिली इससे और काफ़ी एज अ थिंक हाउ टू थिंक डिफरेंट, ये हमने इससे सीखा। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मितेश कुमार है और मैं कॉलेज ऑफ डेटा साइंस अमरेली में पढ़ाता हूँ बच्चों को। आज मैंने विनोद सर का जो लेक्चर सुना, बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत लेट है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट हुआ आज जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं और हमारे जो ड्रीम है उसको गोल और प्लान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली एक्शन में कैसे ला सकते हैं, वो उनका बहुत ही बेसिक डिटेल दिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो हर एक जो लिविंग पर्सन है उसको इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू।
मेरा नाम डॉक्टर विनोद मोर है, मैं आनंद कृषि यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज का लेक्चर जो था डॉक्टर विनोद तिवारी जी का, उसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि उसमें फंड को मैनेज कैसे करते हैं, हाउ टू मैनेज ड्रीम्स एंड हाउ कैसे उसको एक्शन में लिया जाना चाहिए और कैसे उसको एक्शन में लेके एक गोल अचीव करते हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। एक चीज़ वो भी जानने को मिली कि कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, ऐसा हमने आज समझा, तो उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। सो थैंक यू सो मच सर।